हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल ये जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इसमें हर इंसान चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि उसको कोई भी वायरस का इन्फेक्शन ना लगे। तो दोस्तों, इम्यूनिटी के बारे में इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। मैं आपको 6 सवाल पूछूंगा जिससे आपका इम्यूनिटी का सेल्फ चेक होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो बहुत अच्छी बात है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उन लोगों को क्या क्या करना है और कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों का हम सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है वो जानने के लिए मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। और दोस्तों, रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी जो है वो रातों रात बूस्ट नहीं हो सकती। हमें अपने आप के अंदर में कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं, 1 से 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने का टाइम लगता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन से ऐसे 6 सवाल हैं कि जिसको जानने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है। सबसे पहला सवाल है हाई स्ट्रेस लेवल। जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल यानी कि मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव, फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस जिन लोगों का हाई रहता है, उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। अब एक इंसान की कैपेसिटी दिन में 8 से 10 घंटा काम करने की है, अगर वो चाहे वो फिजिकल वर्क हो चाहे वो मेंटल वर्क हो, हम पीसी के ऊपर बैठकर या मेंटल कोई भी हम काम करते हो जिसमें फिजिकल वर्क हो या ना हो, लेकिन हर इंसान का काम करने की कैपेसिटी 8 से 10 घंटे होती है। लेकिन जो पर्सन दिन में 14 घंटे तक 16 घंटे तक काम करते हैं उन लोगों का स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, और जिनका स्ट्रेस लेवल हाई होता है उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये सबसे पहला सेल्फ चेक था हमारा, हाई स्ट्रेस लेवल वाले लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। दूसरा कि जो लोगों को बार बार सर्दी खांसी का इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों को जैसे ही वेदर चेंज होता है या खाने में कोई ऐसी चीज आ जाती है, ठंडा ज्यादा खा लेते हैं, मीठा ज्यादा खा लेते हैं, या तो सीजनल चेंजेस होते हैं, तो उनको बार बार सर्दी खांसी का इन्फेक्शन हो जाता है। जिन लोगों को ये तकलीफ बार बार रहती है उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। तीसरा सवाल है के पेट में जिनको तकलीफ रहती है, मतलब कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता है, गैस, एसिडिटी, पेट में बार बार ब्लोटिंग हो जाना, पेट फूल जाना और डकारे आना, खट्टी खट्टी डकार रहना, तीखी डकार रहना, मतलब जिनको पेट की तकलीफ होती है उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। आयुर्वेद के हिसाब से 90% रोग जो है वो हमारे पेट की खराबी की वजह से ही होते हैं। पेट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता तो हमारे शरीर की 7 धातु अच्छे से नहीं बनती दोस्तों। तो जिनको पेट में प्रॉब्लम है उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। उसके बाद दोस्तों, कुछ लोगों को वुंड यानी कि घाव हो जाता है, तो घाव में रूस जल्दी नहीं आती है। हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन लोगों को उनके घाव में रूस जल्दी नहीं आती। कुछ लोग डायबिटिक नहीं होते हैं तो भी उनका वुंड हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है। जिनका वुंड हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है वैसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है फ्रेंड्स। उसके बाद अभी आपको 5वां सवाल मैं पूछने वाला हूँ, जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन लग जाता है, जो लोग साल में 2 से 3 बार अगर एंटीबायोटिक का कोर्स जिनको करना पड़ता है यानी कि फ्रीक्वेंटली यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, सीआरपी लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं, वैसे लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होती है। जिनको 1 साल में 2 से 3 बार अगर एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है तो वैसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। 6ठा सवाल ये है कि जिन लोगों को पूरा दिन थकान महसूस होती है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी रात अच्छी नींद लेने के बाद भी जब सुबह में उठते हैं तो उन लोगों को थकान महसूस होती है और फ्रेशनेस फील नहीं होती, पूरा दिन टायर्डनेस, एक प्रकार की वीकनेस और थकान महसूस होती है। जिन लोगों को ये महसूस होता है उन लोगों की इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको 6 सवाल पूछे हैं, आपको सेल्फ चेक करना है। अगर ये 6 के 6 चीजें आप में नहीं है तो आप वेल इम्यून है, और अगर इसमें से कोई चीज की कमी आप में है तो आप लोगों की इम्यूनिटी वीक है। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उन लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमको जंक फूड, प्रोसेस फूड और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा। जंक फूड, प्रोसेस फूड और आउटसाइड फूड जो होता है वो अनहाइजीनिक होता है, हमारे शरीर के, हमारे हाइजीन के लिए वो अच्छा नहीं है, और वैसे फूड का रेगुलर सेवन करने से इम्यूनिटी खराब होती है, उसे हमें बंद करना पड़ेगा। स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर देना है।
आपको एक बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस डाइट मतलब सुबह दोपहर और शाम का खाना जो है वो वैसा होना चाहिए कि जो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होना चाहिए। हमारा खाना कैसा होना चाहिए फुल डे का, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं कि एक इंसान का बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए। उसके बाद अगला, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप मिलना जरूरी है, इनफ स्लीप मिलनी जरूरी है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे का स्लीप, ये आपका एक रेगुलर स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। जो लोग रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेगुलर सोते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ, थोड़ी से लेकर ज्यादा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, उससे इम्यूनिटी सबसे ज्यादा बूस्ट होती है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं, उसमें बार बार हवा, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और एक एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, और पूरे बॉडी को हम एनर्जाइज और चार्ज कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपने हाथों को बार बार धोना है, क्योंकि हमारे हाथों में जो जर्म्स लगे हुए होते हैं, हाथों को बार बार धोने से हमारे हाथों का हाइजीन ठीक रहता है, तो हाथों को बार बार धोते रहिए। उसके बाद अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है आपको दोस्तों। हेल्दी वेट का मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका बॉडी बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। आपका पेट का भाग, आपके हिप्स के भाग जो है वो बाहर निकले हुए नहीं होने चाहिए। आपका फिगर, आपका बॉडी जो है वो बैलेंस होना चाहिए। आपका वेट बैलेंस है तो आपका इम्यूनिटी डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है फ्रेंड्स। और उसके अलावा आपको अपने स्ट्रेस लेवल को जरूर से मेंटेन करना है कि आपके अंदर जितने काम करने की कैपेसिटी है उतना घंटा काम करिए, बाकी का टाइम आराम करिए, उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि जो आपको आपकी आदतों में चेंज लाना है। अब मैं आपको 3 ऐसी प्रैक्टिसेस बताने वाला हूं कि जिनको एंशियंट टाइम में हमारे जो पूर्वज थे वो किया करते थे, और ये 3 ऐसी इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स है फ्रेंड्स कि जिसको करने से लगातार 3 महीने तक अगर आप इसको करते हैं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी से बूस्ट होगी कि आपको कभी भी कोई भी इंफेक्शन नहीं लग सकता। तो दोस्तों सबसे पहला इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो सबसे पहला सीक्रेट है वो है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास करना। हर धर्म में फास्टिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। इस्लाम धर्म में देखिए तो रमजान के महीने में फास्ट करते हैं, हिंदू धर्म में देखिए तो चैत्र महीने में फास्ट करते हैं, नवरात्र में फास्ट करते हैं, जैन में देखें तो जैन में भी फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, और हर धर्म में आप देखने जाए तो फास्टिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है। विश्व के एक महान वैज्ञानिक को इसके ऊपर अभी नोबेल पारितोषिक भी कुछ सालों पहले ही मिला हुआ है। और फ्रेंड्स फास्टिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कोई भी इंसान जब फास्टिंग करता है, उपवास रखता है, तो पूरे साल में जो हम खाना खाते हैं उसमें से हम कभी बर्गर खाते हैं, कभी पिज्जा खाते हैं, कभी ब्रेड खाते हैं, मैदा खाते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जो चीज हमने खाई है उसका कचरा जो बॉडी से बाहर निकल गया हो, उसका कुछ कण जो है वो शायद एक साल पहले हमने कुछ खाया है वो उसके कुछ कण हमारे आंतड़ों में, हमारे पेट में जमा हुए पड़े हुए होते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं, हमारे पेट को जब हम खाना नहीं देते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो हमारी बॉडी में जमा पड़े हुए ऐसे कचरा जो काफी समय से हमारी बॉडी में, शरीर में पड़ा हुआ है, वैसे कचरे को वो डाइजेस्ट करके उसको यूटिलाइज करके बॉडी से डिटॉक्स कर देता है, और हमारा शरीर जो है वो फास्टिंग करने की वजह से पूरा बॉडी अंदर से क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए फास्टिंग का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फास्टिंग करने से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। तो दोस्तों सबसे पहला सीक्रेट इम्यूनिटी बूस्ट करने का है वो फास्टिंग है। उसके बाद दूसरा, प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य, जिसको हम कैलिबेसी कहते हैं। आपने अभी सुना होगा काफी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है, पुराने जमाने में हम देखते थे जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब अपने वीर्य को व्यय न करना। हमारे शरीर की 7 धातुएं होती है आयुर्वेद के हिसाब से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले रस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, फिर वो खाने के डाइजेशन से रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि, मज्जा और लास्ट में शुक्र, जिसको हम सीमेन कहते हैं, जो हमारे शरीर की अंतिम धातु है। ये 7 धातुओं के ऊपर हमारा पूरा शरीर निर्भर होता है, और जो 8वीं धातु है उसे ओज कहा जाता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ओज क्षय विनश्यति, ओज का क्षय हो जाएगा
तो आपके शरीर का विनाश हो जाएगा। और इसी ओज को दोस्तों इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है ओज। शरीर की सातों धातुएं बैलेंस है तो आठवीं धातु ओज जो है वो अच्छे प्रमाण में बनेगी और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपने सीमेन का सेव करना बहुत इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। और तीसरा इम्यूनिटी बूस्टिंग फैक्ट अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर बूस्टिंग फैक्ट है वो है हेल्पिंग अदर्स, यानी कि दूसरों की मदद करना। चाहे आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करें या कोई और तरीके से हेल्प करें, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, इसको सत्व वजह कहा जाता है। दूसरों को मदद करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि जब आप दूसरों को मदद करते हैं तो आपके शरीर में जो पॉजिटिविटी पैदा होती है उससे आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं फ्रेंड्स। और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहला फास्टिंग करना, दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना, और तीसरा दूसरों को मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। अब मैं आपको चार ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताने वाला हूं कि जिनका रेगुलर सेवन करने से डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, क्योंकि इन चार औषधियों का सेवन मैं खुद रेगुलर और रोजाना करता हूं और अपनी इम्यूनिटी को और अपने परिवार की इम्यूनिटी को बूस्ट रखता हूं। सबसे पहली आयुर्वेदिक औषधि है आंवला। आंवला के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आंवले के बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में आप वहां से जान सकते हैं। स्पेशली अभी मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आंवला एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरी हुई औषधि है, जिसका सेवन आप रेगुलर करिए। किस तरह से आंवले का सेवन करना है, आंवले के पाउडर को आधा चम्मच रोज सुबह उठ के खाली पेट गर्म गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करना है और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। दूसरी औषधि है, आप सब लोगों ने इस औषधि का नाम अभी बहुत सुना होगा, गिलोय जिसको कहा जाता है, जिसको आयुर्वेद में हम गुड़ुची कहते हैं, इसको अमृता भी कहा जाता है। हमने ऑलरेडी गुड़ुची के बारे में, गिलोय के बारे में एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों गुड़ुची के बारे में बताऊं तो गुड़ुची हमें इम्यूनिटी में कैसे काम करेगी। गुड़ुची एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग है फ्रेंड्स। गुड़ुची का पाउडर के स्वरूप में सेवन करना चाहे तो आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और अगर इसको आप टेबलेट के स्वरूप में सेवन करना चाहे तो दो दो टेबलेट दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। तीसरी आयुर्वेदिक औषधि है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकती है, वो है तुलसी। तुलसी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, तुलसी का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। तुलसी जो है वो बेस्ट ज्वरग्न है, यानी कि कफ कोल्ड एंड फीवर की एक बेस्ट औषधि है। हर एक के घर में तुलसी मिल जाती है फ्रेंड्स। तो तुलसी को हमें क्या करना है, जब हम चाय पीते हैं, ग्रीन टी पिए चाहे ब्लैक टी पिए, उसमें आप तुलसी के चार पत्ते डाल के उसको उबाल के पिए, बस हो गया दोस्तों। दिन में चार पत्ते तुलसी के आपकी बॉडी में चाय के स्वरूप में चले जाए तो भी बहुत अच्छा है। अगर चाय नहीं पीते हैं तो उसको डायरेक्ट चबा के भी खा सकते हैं। और चौथी और बेस्ट आयुर्वेदिक औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, ये एक बेस्ट एंटी स्ट्रेस मेडिसिन है, एफ्रोडिक मेडिसिन भी है, कि जो हमारे मेल सेक्स हॉर्मोन्स को बूस्ट करती है और ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अश्वगंधा का सेवन अगर आप पाउडर स्वरूप में कर रहे हैं तो रोज रात को सोते वक्त आधी चम्मच एक कप गर्म दूध के साथ आप कर सकते हैं। अगर टेबलेट फॉर्म में करना चाहते हैं तो दो गोली रात को सोते वक्त भी आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये चार आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में मैंने आपको बताया, आंवला, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा। ये चार आयुर्वेदिक औषधियों का कम से कम 3 महीने तक जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से आप रेगुलर सेवन करिए। और जो 3 चीजें प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई, फास्टिंग, कैलिबेसी और हेल्पिंग अदर्स, इसको आप दोस्तों अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट होगी। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहां पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।